रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी और कुल कुल नमस्कार। इस वीडियो में चार टॉपिक में कवर करूंगा, ट्रैफिक, टूरिस्ट परमिट और नेक्स्ट स्नोफॉल कब होगा। कल हमने यहां तक आपको वीडियो दिखाया था और उस वीडियो पर आपका अच्छा प्यार मिला और इस पर अच्छा मिलेगा। अब आगे चलते हैं, अटल टनल नॉर्थ पोर्टल यानी कि अटल टनल साइड, हमने कल आपको वहां तक दिखाया था और आपको कंटिन्यू सिसु तक लिए चलेंगे इस वीडियो में। और इसमें कहीं आपको ज़्यादा बर्फ देखने को मिलेगी, कहीं कम, उसका भी कारण बताएंगे और वीडियो पर बने रहिएगा। रोहतांग के संदर्भ में भी बात करेंगे। उससे पहले टीम रेनबो सेवन के साथ यदि आप घूमना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मनाली पैकेज के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब एक तरफ तो सिसु की तरफ आप हम जा रहे हैं, दूसरी तरफ है खोक्सर रोहतांग पास। और खोक्सर रोहतांग पास वाला जो खोक्सर से आगे तक ये रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन स्नोफॉल की वजह से वापस दिक्कत आ गई है। और जैसे ही खुलेगा तो आपको हम सूचित कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि गुलाबा तक खोल दिया गया है, जिसकी सूचना हमने पहले दे दी है। गुलाबा तक जा सकते हैं बिना किसी परमिट के, और इस तरफ से जब भी खुलेगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब आपको चंद्रा रिवर के साथ साथ सिसु तक इस वीडियो में लगातार शेयर करवाते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस तरफ बर्फ़ है, इस तरफ की कहाँ गई। जी हाँ, इस पर ये कारण है कि जिस सनलाइट जिस डायरेक्शन से सीधी गिरती है वहाँ बर्फ़ ज़्यादा मेल्ट होती है, और जहाँ डायरेक्ट नहीं गिरती है वहाँ मेल्ट नहीं होती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यदि आपको फ्रेश स्नो देखनी है और स्नोफॉल देखना है, लाइव स्नोफॉल, आगे बताऊँगा कब होगा, और आज शाम को भी हल्का फुल्का यहाँ स्नोफॉल देखने को मिलेगा और कल भी सुबह अर्ली मॉर्निंग स्नोफॉल की संभावना बनी हुई है। और दूसरे स्टेट के लिए यहाँ एक टैक्स लगता है, साडा टैक्स, यहाँ पर्ची काटी जाती है। और जो हिमाचल के वाहन हैं उनके लिए यहाँ किसी प्रकार की ये साडा टैक्स पे नहीं करना होता है। और चंद्रा रिवर के साथ साथ सिसु चलते हैं, और टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं, ये नहीं कि कम है, टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं क्योंकि स्नोफॉल कल अच्छा देखने को मिला। जो बर्फ़ देखने आए थे उनको बर्फ़बारी देखने को मिल गई और उनकी मन की मुराद है वो आवश्यकता से अधिक उनको मिला, तो बहुत खुशी हुई। और एक तरफ आपको चंद्रा रिवर दिखाई दे रही है जो आगे तांदी नाम लोकेशन है, वहाँ भागा नदी में मिलती है तो चंद्रभागा बन जाती है। यहाँ इसको चंद्रा और भागा, चंद्रभागा नाम से जानते हैं। और इसको आगे जम्मू के अंदर इसको चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये रिवर है और इसका वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्मियों के दौरान, और राफ्टिंग भी यहाँ देखने को मिलती है। आगे बर्फ़ ज़्यादा आने वाली है, यहाँ सनलाइट ज़्यादा गिरती है इसलिए ज़्यादा मेल्ट हो रही है। और आपसे निवेदन रहेगा कि जितना जल्दी हो सके यदि आपको फ्रेश स्नो और स्नोफॉल देखना है तो आप हिमाचल आ सकते हैं। और शिमला की बात करें तो वहाँ बर्फ़ नहीं है, मनाली साइड ही आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। इजी रास्ते में आपको इस तरह की बर्फ़ें और शिमला के अंदर ऐसी बर्फ़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, और स्नोफॉल भी यहीं देखने को मिलेगा। और अगर नेक्स्ट स्नोफॉल की हम बात करें वो थोड़ा आगे बताऊंगा। यहाँ आने के लिए किसी प्रकार के परमिट की आवश्यकता नहीं रहती है, ध्यान दीजिए, अटल टनल नॉर्थ पोर्टल, साउथ पोर्टल और सिसु, कोई परमिट की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ लाहौल स्पीति का जिला मुख्यालय है केलोंग, वहाँ तक जा सकते हैं। बस के द्वारा भी HRTC की बसें चल रही है, वो भी आप उसके द्वारा भी जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूजिंग, उसका उत्तर भी बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं उसको यहाँ चर्चा स्थान देना चाहूँगा कि अटल टनल कब खुलती है, कब बंद होती है। जी हाँ, अटल टनल 24 घंटे खुली रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अटल टनल तब बंद कर दी जाती है जब स्नोफॉल, मौसम ख़राब होता है, आपकी सेफ्टी के लिए ही अटल टनल बंद किया जाता है। और जिसकी सूचना लाहौल स्पीति अपने फेसबुक पेज पर देती है और उसके को आधार मानकर हम अपना जो फेसबुक पेज है इसी नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत आपको वो सूचना वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से देते हैं। उस
फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी 1500 फॉलोवर हो गए हैं, तो ज़रूर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी फॉलो कीजिएगा। सभी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और ये शिशु का शानदार नज़ारा है, और लोग गाड़ी से बाहर होकर भी स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं, हल्की हल्की स्नोफॉल है। और ये कल का वीडियो आज का नहीं है, क्योंकि हम लेटेस्ट वीडियो और सच्चाई के साथ वीडियो प्रस्तुत करते हैं, यही हमारी विशेषता है, और यही हमारा आज तक आपका प्रेम ही हमने कमाया है। आशा करते हैं कि आपका प्रेम इसी प्रकार मिलता रहेगा। नेक्स्ट स्नोफॉल प्रेडिक्शन, नेक्स्ट स्नोफॉल प्रेडिक्शन की बात करें तो 25 के आसपास, 25 मार्च के आसपास, यानी 24 को भी हो सकता है या 26 को भी हो सकता है, एक दो दिन एक्स्ट्रा लेकर चलिएगा, क्योंकि मार्च का अंतिम सप्ताह चल रहा है और गर्मी भी बढ़ रही है, इस वजह से स्नोफॉल डेफिनेटली नहीं बताया जा सकता, जैसे हम दिसंबर और जनवरी के अंदर प्रेडिक्ट करते हैं और अनुमान भी हमारा सही जाता है। तो आप अटल टनल नॉर्थ पोर्टल, अटल टनल साउथ पोर्टल, सिसु, यहाँ आप आ सकते हैं। खांगसर, अक्सर तो अलाउ नहीं है, खांगसर जा सकते हैं, इग्लू विलेज वाला। और वीडियो में ज़रा भी अच्छा आपको लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अच्छा सा कॉमेंट करके सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।